Hello friends and welcome to the exams made simple, and as promised we are back again with the most important questions for UPSC prelims 2018. And last video mein kuch logon ne demand ki thi ki modern Indian history and freedom struggle ke questions diye jaye, to I have made a video on that, separate video on modern history again. Ek part isse pehle modern history ko already humne banaya hua hai, so this is part 44 and today we will be completing 470 questions friend. 470 sawal aaj hum complete kar lenge, to jo 500 ka target maine liya tha उसमें से 470 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड. लास्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, जब इस सीरीज का जो मैं लास्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें 50 से 100 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, ताकि अपन 600-700 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट कर लें. एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, दीज आर मोर देन इनफ फॉर योर प्रैक्टिस. एंड ये क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है इन क्वेश्चन के आने का, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप उनका लेवल देख रहे होंगे. ओके, सो दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड फ्रीडम स्ट्रगल. आफ्टर द एंड ऑफ द वीडियो प्लीज़ टेल योर मार्क्स, कितना आपने अटेम्प्ट किया, कितना आपके सही थे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इनमें से कौन से सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन पास किया गया था. ऑप्शंस आर बेलगाम सेशन 1924, लाहौर सेशन 1929, कराची सेशन ऑफ 1931 या फैजपुर सेशन ऑफ 1936. तो कौन से सेशन में फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी का रेजोल्यूशन पास किया गया था. दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर. And now let me tell you the correct answer. The correct answer for this will be C, Karachi session of 1931. It's a very important session. अगर आप इसके points पढ़ सके तो और ज़्यादा important है. इसमें दो separate resolutions लिए गए थे. एक resolution लिया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, एक रेजोल्यूशन लिया गया था नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर. तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आपको राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वोकेशन, ये सारे राइट्स दिए गए थे. ओके, एंड वहीं पे नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी में बोला गया था रेंट माफ़ कर दिया जाएगा, रेंट कम कर दिया जाएगा, दीज आर द थिंग्स. कंट्रोल ऑफ यूजरी, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट, कंट्रोल ऑफ यूजरी, दीज आर द पॉइंट्स अंडर नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी. सो कराची सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट वॉज हेडेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार पटेल ने इसको हेड किया था 1931 में, एंड इट इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट ऑल्सो. तो ये दिस स्टेटमेंट भी दे रहा था कि द कराची सेशन ऑफ 1931 इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट, तो याद रखेगा ये भी सही रहेगा. सो दीज आर द आंसर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर टू इज, Who among the following attended all the three round table conferences held in London? इनमें से कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू या चित्तरंजन दास. ओके, तो इनमें से कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया था? एक एक करके मैं आपको बताता हूँ. महात्मा गांधी की अगर बात करें तो उन्होंने तो पहला ही नहीं किया था, याद रखिएगा, फर्स्ट उन्होंने अटेंड नहीं किया था. कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं किया था. सेकंड उन्होंने अटेंड किया था, एंड थर्ड फिर से उन्होंने नहीं अटेंड किया था. तो महात्मा गांधी तो बिल्कुल पिक्चर से बाहर हो गए, तो ये आंसर हट जाएगा. बी आर अम्बेडकर ने तीनों किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट. बी आर अम्बेडकर वॉज द पर्सन हु अटेंडेड ऑल थ्री टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेज, एंड तेज बहादुर सप्रू टू अटेंडेड ऑल द थ्री. ओके, तेज बहादुर सप्रू ने भी तीनों अटेंड किए थे, चित्तरंजन दास ने नहीं किया था. तो याद रखिएगा आंसर इसका 2-3 हो जाएगा. ए विल बी द आंसर, लेट्स सी दैट. तो ए इज द आंसर, चित्तरंजन दास एंड बी आर अम्बेडकर, दे अटेंडेड ऑल द थ्री टेबल राउंड कॉन्फ्रेंसेज. ओके, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट. इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग सही हैं? फर्स्ट इज, इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट विद द रीन्स ऑफ द मूवमेंट इन द हैंड ऑफ द मासेस. तो ये लीडरलेस मूवमेंट था, ये पहला स्टेटमेंट है. सेकेंड इज, इट वॉज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाई द आउटब्रेक ऑफ वॉयलेंस, दो गांधी हैड गिवेन अ कॉल फॉर नॉन वॉयलेंस. ओके, तो ये बताना कि इसमें भी क्या वॉयलेंस हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था, तो क्या इसमें वॉयलेंस था या नहीं, दूसरा स्टेटमेंट है. थर्ड इज, द मूवमेंट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव. इनमें से बताना है कौन से सही है कौन से गलत. वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड थ्री, वन टू एंड थ्री. ओके, तो इनमें से कौन सा आंसर सही है? सो पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर, एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. एक एक करके स्टेटमेंट अपन देखते हैं. इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट, तो बिल्कुल सही, इट वॉज अ लीडरलेस मूवमेंट क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि सारी की सारी कांग्रेस को एक दिन में अरेस्ट कर लिया गया था. इंटायर कांग्रेस वॉज अरेस्टेड फ्रॉम नेशनल लेवल, फ्रॉम स्टेट लेवल, फ्रॉम प्रोविंशियल लेवल. तो इंटायर कांग्रेस वॉज अरेस्टेड, सो दिस मूवमेंट वॉज लेफ्ट लीडरलेस. देन इट वॉज कैरेक्टराइज बाई आउटब्रेक ऑफ वॉयलेंस, यस देयर वर इंस्टेंसेज ऑफ वॉयलेंसेज.
स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। तो रूरल एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुआ था बिकॉज ऑफ दिस क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इट फेल्ड इन टर्म्स ऑफ अचीविंग द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव। यस ये भी हुआ था कि इनकी कोई डिमांड मानी नहीं गई थी, अरेस्ट कर लिया गया था, तो जो इसका इमीडिएट ऑब्जेक्टिव था उसमें ये फेल हो गया था। तो 1, 2, 3 विल बी द आंसर, डी विल बी द आंसर। यस एंड इंटायर कांग्रेस वॉज अरेस्टेड, तो लीडरलेस रह गया था मूवमेंट। एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे स्टेटमेंट्स, आप याद रखेगा इसमें वॉयलेंस भी हुआ था, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर जनरल एन अटेम्प्ट वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू कोडिफाई हिंदू एंड मुस्लिम कस्टमरी लॉज। इनमें से किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में पहली बार ये अटेम्प्ट किया गया कि हिंदू और मुस्लिम कस्टमरी लॉज को कोडिफाई किया जाए? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या चार्ल्स मेटकाल्फ? तो पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि पहली बार कब अटेम्प्ट किया गया, तो याद रखिएगा वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में पहली बार अटेम्प्ट किया गया था, और एक्चुअली में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और ये सब कोडिफाई किया गया था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में किया गया था। ओके, सो द एक्चुअल कोडिफिकेशन टुक प्लेस इन द लॉर्ड कॉर्नवालिस टाइम। विलियम बेंटिक क्यों इंपॉर्टेंट है आप सबको पता होना चाहिए कि विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज विलियम बेंटिक। एंड ये भी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मेटकाल्फ क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज ही वॉज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ एक एक करके ताकि और अधिक क्वेश्चन आपको समझ आए। तो चार्ल्स मेटकाल्फ वॉज द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इसको बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी लिबरल पॉलिसीज रखी थी प्रेस की फ्रीडम के लिए, तो ही वॉज कॉल्ड द लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। तो वॉरेन हेस्टिंग्स यहाँ पे आंसर रहेगा, ही वॉज द फर्स्ट हु मेड द अटेम्प्ट टू कोडिफाई हिंदू एंड मुस्लिम लॉस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन विच महात्मा गांधी प्रिसाइडेड, ये कहाँ हुआ था? इनमें से किस सेशन में महात्मा गांधी, केवल एक ही सेशन था जहाँ महात्मा गांधी ने प्रिसाइड किया था, आपको पता नहीं इनमें से कौन सा है, बेलगांव, फैजपुर, अलाहाबाद या कराची? तो इनमें से कहाँ पे किया था, तो एक तो मैंने बता दिया कराची में सरदार पटेल ने किया था, आपको इन तीनों में बताना है बेलगांव, फैजपुर या अलाहाबाद, तो इनमें से कहाँ किया था? पॉज द वीडियो थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ए, बेलगांव। तो याद रखिएगा 1924 का जो सेशन था, 1924 का सेशन, वो महात्मा गांधी ने हेड किया था एंड इट वॉज हेल्ड एट बेलगांव सेशन। एंड 1925 में जो सेशन हुआ था उसको शायद सरोजिनी नायडू ने लीड किया था। ओके, तो सरोजिनी नायडू का भी याद रखिएगा 1925 में किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज टू डू समथिंग फॉर द इंडिगो प्लांटर्स हु अमंग द फॉलोइंग परसुएटेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण। तो आप सबको पता है चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था, पर चंपारण में जाने के लिए गांधी जी को किसने इनवाइट किया था? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण न्यूज़ में भी था, तो बाकी चीज़ें भी मैं चंपारण की आपको बता दूंगा, पर पहले आप ये बताइए। ओके, ऑप्शन आर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी इज राजकुमार शुक्ला, सी इज जे बी कृपलानी, डी महादेव देसाई। ओके, तो दीज आर द ऑप्शंस फॉर यू, पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी बी राजकुमार शुक्ला, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ला परसुएडेड महात्मा गांधी टू कम टू चंपारण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड नाउ लेट मी टेल यू सम अदर फैक्ट्स अबाउट चंपारण। अगर आपको इस तरह का स्टेटमेंट आता है कि गांधी जी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग चंपारण, ये गलत है, गांधी जी वॉज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग चंपारण, ये याद रखिएगा। चंपारण वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, इट वॉज द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया। ओके, तो महात्मा गांधी का पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। थर्ड स्टेटमेंट कैन बी दैट गांधी जी वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी दैट वॉज फॉर्म्ड, तो याद रखिएगा गांधी जी वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी विच वॉज फॉर्म्ड टू फाइंड द रियल ट्रूथ बिहाइंड चंपारण। तो कमिटी जो बनाई गई थी चंपारण में उसके मेंबर थे, कभी कभी यूपीएससी दे सकता है क्योंकि उसके लीडर थे, उसके चेयरमैन थे कमेटी के, तो याद रखें चेयरमैन नहीं थे, ही वॉज द मेंबर ऑफ द कमिटी। पहला सीडीएम था महात्मा गांधी का, ही वॉज नॉट अरेस्टेड ड्यूरिंग द मूवमेंट। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, दिस वॉज अगेंस्ट द तीन कथिया सिस्टम, तीन कथिया सिस्टम अगर बोलता है तीन कथिया, ओके, 3/20th पार्ट ऑफ द लैंड में आपको इंडिगो ग्रो करना रहता था। ओके, 3/20th पार्ट, तो ये भी याद रखिएगा। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स, इसके अलावा इसके बाहर का कुछ भी आपको नहीं पूछेगा चंपारण में, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसीडर द फॉलोइंग, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज और डच। द बैटल ऑफ स्वाली होल ऑफ 1612 वॉज फॉट बिटवीन हु अमंग द फॉलोइंग? बैटल ऑफ स्वाली होल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है।
एंड ये किसके बीच में हुआ था आपको बताना है, फ्रेंच, ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, इनमें से किन दो पावर्स के बीच में हुआ था। ऑप्शन था 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, 1 एंड 4। ओके तो पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी ब्रिटिश एंड पोर्चुगीज, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो 2 एंड 3 शुड बी द आंसर, बी शुड बी द आंसर। एक और इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट और बैटल है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पता करिए, गूगल करिए और उसके बाद आंसर करिएगा। इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश, बैटल ऑफ वांडी वॉश, वांडी वॉश ये किसके बीच में हुआ था, और एक हुआ था बैटल ऑफ बेडारा। ओके बैटल ऑफ बेदारा, तो ये दोनों बैटल भी आप पता करिएगा, प्लीज़ पता करिएगा। ओके एंड गूगल करके आंसर ज़रूर करिएगा ताकि लोगों को भी पता चल सके। तो इन तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, बैटल ऑफ सॉलिहोल मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैड रिटन द फेमस ड्रामा नील दर्पण इन इंग्लिश। तो अगर आपने बिपिन चंद्रा पढ़ी होगी तो उसमें एग्जैक्टली ये चीज लिखी हुई है नील दर्पण के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र, हरीश चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष। ओके तो दीन बंधु मित्र विल बी द आंसर, नील दर्पण उन्होंने लिखी थी, दीन बंधु मित्र ने। एंड नील दर्पण में इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताया गया था, इंडिगो जो रिवोल्ट हुआ था। ओके इंडिगो तो नीला, नीला बोलते भी हैं, नील बोलते भी इंडिगो को, तो याद रखिएगा इंडिगो के बारे में बताया गया था, दीन बंधु मित्रा ने उसको लिखा है। ओके एंड दिस शुड नॉट बी इंग्लिश, इसको यहाँ हटा दिया, लिखा दीन बंधु मित्रा ने। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान डिक्लेरेशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकली, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा क्योंकि यूपीएससी क्रोनोलॉजिकली ही पूछता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी उन्होंने क्रोनोलॉजी का ही क्वेश्चन पूछा था, तो ये उनका फेवरेट, मोस्ट फेवरेट एरिया है इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो ये बताना है आपको कि इन चारों में से कौन से इवेंट पहले हुए थे, कौन से इवेंट बाद में हुए थे। तो ऑप्शन सर ये है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान डिक्लेरेशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। ओके ऑप्शन सर 1, 2, 3, 4, बी इज 1, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 1, C एंड डी 3, 4, 2, 1। ओके तो आपको अरेंज करना है इसको क्रोनोलॉजिकली। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, आप अपना आंसर सोच लीजिए और उसको टिक कर लीजिए। नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो हुई थी 1930-1931 में। ओके 1930 से 1931 में हुई थी, नवंबर से शुरू हुई थी, जनवरी तक चली थी। पाकिस्तान डिक्लेरेशन हुआ था 1933 में। ओके पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933। पूना पैक्ट की बात करें तो 1932 में हुआ था पूना पैक्ट, एंड गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 के मिड में हुआ था। ओके तो नाउ लेट्स अरेंज दिस। तो सबसे पहले हुआ था 1, फिर हुआ था 4, फिर हुआ था 3, फिर हुआ था 2। तो 1, 4, 3, 2 शुड बी द आंसर, 1, 4, 3, 2। यस बी इज़ द आंसर, लेट्स सी दैट बी आंसर है कि नहीं। तो यस बी इज़ द आंसर, 1, 4, 3, 2। पाकिस्तान डिक्लेरेशन वॉज अ पैम्फलेट रिटन एंड पब्लिश्ड बाय चौधरी रहमत अली ऑन 28 जनवरी 1933। याद रखिएगा चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान डिक्लेरेशन दिया था 1933 में। गांधी इरविन पैक्ट वॉज अ पोलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड देन वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड इरविन ऑन 5th March 1931। पूना पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी साइंड ऑन 24th September 1932 एंड द फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस वॉज ऑन 12th November 1930 से 13 जनवरी 1931। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये चारों के बारे में मैंने आपको बता भी दिया ताकि आपको और ज़्यादा इनके बारे में डिटेल पता चल जाए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। रेगुलेशन 17 वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड वॉज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेशन 17 पास किया था, ये इनमें से किससे रिलेटेड है, एबोल्यूशन ऑफ सती, एबोल्यूशन ऑफ इन्फेंटिसाइड, सप्रेशन ऑफ ठग्स, एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। तो इनमें से किससे एसोसिएटेड है रेगुलेशन 17, वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेशन इन द इंडियन हिस्ट्री। सो पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर। आंसर फॉर दिस विल बी एबोल्यूशन ऑफ सती। ओके तो लॉर्ड विलियम वेंटिक के टाइम में पास हुआ था एंड एबोल्यूशन ऑफ सती से रिलेटेड है रेगुलेशन 17, इसको याद रखेगा। इट वॉज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ लॉर्ड विलियम वेंटिक, एबोल्यूशन ऑफ सती, रेगुलेशन 17। ओके क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधीज रिमार्क अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, ये किसके प्रपोजल्स पर रिलेटेड है, कहाँ, किसके, किस इवेंट के बाद ये कमेंट किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। इट वॉज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। ऑप्शंस आर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, बी इज वेवल प्लान,
C is Scripps Mission, D is Simon Commission. So pause the video and think of the answer, and now let me tell you the correct answer. Answer for this will be C, Scripps Mission. Okay, तो Scripps Mission के time पे बोला गया, जब Scripps Mission आया उसके बाद बोला गया महात्मा गांधी द्वारा that it was a post dated check on a crumbling bank. तो काफी ज्यादा important है, इसको याद रखिएगा. Now consider the following and match the following. Okay, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा correctly matched है, which of the following is correctly matched. अष्ट प्रधान जो system था वो मराठा में था, अष्ट दिग्गज सिस्टम विजयनगर में था, नवरत्न चंद्रगुप्त वन के टाइम पे था, दहसाला अकबर के टाइम पे था. तो आपको बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है, कौन से नहीं मैच है करेक्टली. सो पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. तो अष्ट प्रधान सिस्टम तो मराठा के टाइम में था, बिल्कुल था, अष्ट प्रधान थे उस समय. अष्ट दिग्गज विजयनगर में भी था तो बिल्कुल सही था, तेनाली रमन उनमें से एक था, एक शो भी आ रहा है उसमें भी दिखाया जाता है आपको अष्ट दिग्गज. देन नवरत्न चंद्रगुप्त वन लिखा है, ये गलत है, नवरत्न चंद्रगुप्त टू के टाइम में थे जो कि विक्रमादित्य कहलाता था या फिर अकबर के टाइम पे थे. ओके, और इनके टाइम पे नहीं थे. तो थ्री विल बी द रॉन्ग ऑप्शन, थ्री हट गया तो ये हट गया, और वन एंड टू तो सही है. तो बचे अपने वन टू एंड फोर. फोर देखते, दहसाला अकबर के टाइम पे था, बिल्कुल था. ओके, टोडरमल ने इसको बनाया था, इस सिस्टम को, टोडरमल थे उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के. तो याद रखिएगा वन टू एंड फोर, डी विल बी द आंसर. लेट सी दैट, यस डी इज द आंसर. नवरत्न वरिन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पीरियड टू एंड अकबर दोनों के टाइम में थे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, वुड्स डिस्पैच इनमें से किससे रिलेटेड है. चेंजेस इन एजुकेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पोस्ट, एवोल्यूशन ऑफ सती, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन इंडिया. द वुड्स डिस्पैच ऑफ 1854 इसमें किससे रिलेटेड है. पॉज द वीडियो एंड थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द करेक्ट आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए, चेंजेस इन एजुकेशन. ये कब हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुआ था. अगर आपको ध्यान हो तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम में था. 1854 में इंडियन पोस्ट भी आया था, 1851 में टेलीग्राफ आया था, 1853 में ट्रेन ही थी आई थी पहली जो कि मुंबई से थाने चली थी. ओके, एंड ये सारी चीज़ें हुई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट हैपेंड एंड इनको याद रखिएगा. वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन भी बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, मैग्ना कार्टा. और इसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आप बताइएगा ज़रूर. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग. बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट. ये कब बनी थी, उनके ऑर्डर में इसको बनाना आपको बताना है. वेरी गुड क्वेश्चन, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. ओके, लेट्स सी वन बाय वन. बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1890 में बनी थी. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 1890. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप सबको बताना चाहिए 1916 में बनी थी, अभी 100 साल हुए हैं, दो साल पहले ही. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना था एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945 में बना था. ओके, तो लेट्स अरेंज इट वन बाय वन. तो 1861 ये तीसरा सबसे पहले होगा, तो थ्री, देन वन, देन आई थिंक इट्स टू एंड फोर. थ्री वन टू फोर, तो यस 3124 इज ऑप्शन बी. तो लेट सी दैट, बी विल बी द आंसर 3124. बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1890, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1916, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 एंड एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1945. तो दीज विल बी द आंसर्स फॉर यू. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज, विच ऑन द फॉलोइंग सिख गुरु इज नोन टू हैव कंप्लीटेड हरमिंदर साहिब. हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है. ओके, गोल्डन टेम्पल. तो इनमें से किस सिख गुरु ने इसे कंप्लीट किया था, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन. ऑप्शन आर गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास. सो दीज आर द ऑप्शन फॉर यू. पॉज द वीडियो थिंक ऑफ द आंसर एंड लेट मी टेल यू द आंसर. आंसर फॉर दिस विल बी ए, गुरु अर्जुन देव. ओके, तो याद रखेगा हरमिंदर साहब का कंप्लीशन गुरु अर्जुन देव ने कराया. सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आर वीडियो. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप सॉल्विंग द क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.